हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में DPI सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन के DPI को आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की DPI कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन की DPI कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की DPI कैसे बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली देख सकते हैं सेटिंग्स है, शो हो रही है। तो इसमें से आपको जाना होगा, अब आप फ़ोन पे यहाँ से वर्जन पे जाकर बिल्ड नंबर्स को 3 से 4 बार टैप करके डेवलपर ऑप्शंस ऑन कर लेना है। जहाँ से आपको सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है, डेवलपर्स पे जाकर स्लाइड करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा DPI सेटिंग्स। तो स्मॉलेस्ट विथ DPI का ऑप्शन आ रहा है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन की DPI इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सिंपली ऐसे 340 है तो हम इसको 400 भी कर सकते हैं। 400 करते हैं तो इस तरीके से स्मॉल हो जाएगी जो DPI आपकी। इस तरीके से आप इसको नॉर्मल करना चाहें 392, तो 392 भी कर सकते हैं, जो आपका DPI इस तरीके का शो करेगा। तो अपने तरीके से जो भी DPI आप सेट कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और सेट भी कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।